ये तो बहुत रिस्की काम है। मगर गौरव, अब और रास्ता भी क्या है? अगर हम वापस जाने की कोशिश भी करेंगे तो अंगूठी अपने आप उड़कर हिमांशु के पास चली जाएगी। तुम ठीक कह रही हो शैली, इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं उस अंगूठी को वहां से लेकर आऊं। शैली, विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गौरव। मेरी तरफ से तो है ही। थैंक्स। चलेगा। मेरी आज छुट्टी है ना, वरना आज मैं भी अपना जादू दिखा देता। मुबारक हो, तुम लोगों को पहली अंगूठी मिल गई। मगर ये अंगूठी और बाकी दोनों अंगूठियाँ भी तभी काम करेगी जब तुम्हारी अंगूठी इन्हें उड़ जा देगी। अब फौरन यहाँ से भागो, क्योंकि 3 आग के गोले अभी बाकी है। जो भी इस अंगूठी को हासिल करने में कामयाब हो जाता है, उस पर वे कभी भी फोड़ सकते हैं। भागो, फौरन भागो यहाँ से। मुझे क्या पता? तो फिर किसको पता होगा? तू मुझे क्यों पूछ रही है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तू कहाँ चले गया था? हम लोग तब से यहाँ परेशान बैठे। कहाँ गए थे तुम लोग? हाँ, कहीं भी घूमने चले जाता है वो क्या क्या वो कर रहा है? शैली, तुम ध्यान रखो इनका, मैं अभी आता हूँ। जी जैम जैमी बूम। Thank you.
तुम लोग इस तरह बुद्ध बने मुझे क्या देख रहे हो? तुम कौन हो? मैं? तुम लोग मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ गौरव। नहीं तुम गौरव नहीं हो सकते। तुम जरूर गौरव के वेश में कोई बैरूपिया हो। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले कोई डुप्लीकेट जूनियर जी बनकर सारी दुनिया को धोखा दे रहा था। वो डुप्लीकेट था, मैं सचमुच का गौरव हूँ। मेरा विश्वास करो तुम लोग प्लीज। अभी अभी हमने जो कुछ भी देखा उसके बाद हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर ले? अगर तुम सचमुच गौरव हो तो फिर अभी तुम जूनियर जी कैसे बन गए थे? सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं ही गौरव हूँ और मैं ही जूनियर जी हूँ। ये कैसे हो सकता है? अगर तू ही गौरव है और तू ही जूनियर जी भी है तो आज तक ये बात हमें पता क्यों नहीं चली? इसलिए क्योंकि मैंने ये बात तुम लोगों से छिपा कर रखी थी। तू हमें अपना दोस्त मानता है ना, तो तूने ये बात हमसे क्यों छुपाई? ये एक बहुत लंबी कहानी है, मगर मुझे आज लगता है कि मुझे ये कहानी तुम लोगों को सुनानी पड़ेगी। ये 2 साल पहले की बात है, तुम्हें याद तो होगा। 2 ग्रहाणु यानी कि एस्टेरॉइड्स आकाश में टकराए थे। हाँ, बिल्कुल याद है, पूरी दुनिया में इस बात का हंगामा मच गया था। और हाँ, उस समय एक ग्रहाणु का टुकड़ा जमीन पर आके गिरा था जो आज तक किसी साइंटिस्ट को नहीं मिला। कैसे मिलता? वो टुकड़ा तो गौरव के पास है ना? तुम्हारे पास? हाँ, उस रात वो टुकड़ा मेरे कमरे के बाहर आकर गिरा था। गौरव, घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। जेमी, गौरव, अब तुम बन चुके हो एक अद्भुत और चमत्कारी हस्ती। लेकिन उस ग्रहाणु के टुकड़े की तलाश में एक और आदमी भी था, वो था फिमांचो। हमारा पूरा नाम है फिमांचो, द ग्रेट ग्रेट फिमांचो। और जब उसे पता लगा कि जूनियर जी नाम का उसका एक दुश्मन भी है, तब उसने मुझे खत्म करने के लिए और मुझे ढूंढ निकालने के लिए अपनी दुष्शक्तियों को धरती पर भेजना शुरू कर दिया। और फिर मैं तुझे देख क्या बनाता हूँ। इसका मतलब उस समय तूने ही हमारी जान बचाई थी? सिर्फ उस समय नहीं, उसके बाद भी बार बार लगातार। उसके बाद? मतलब यह कि उसके बाद फिमांचो ने मिस मैग्नेटो को पैदा किया। वेलकम मिस मैग्नेटो, जो अपने मैग्नेटिक पास से अंतरिक्ष में उड़ते मिसाइल्स को खींच सकती थी। लेकिन मैंने यानी कि जूनियर जी ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। उसके बाद फिमांचो ने राजकुमारी अल्फा को बुलाया, जिसने सारी धरती पर तबाही मचा दी। शहर के शहर तबाह थे,
लेकिन जूनियर जी के सामने उसकी एक न चली। गाजर खाने के लिए होते प्रिंसेस अल्फा। फिर राहुल अकेला जंगल में चला गया और भूतों के बीच फंस गया। उसे भी जूनियर जी ने ही बचाया। उसके बाद हिमांशु ने ड्रग्स वाले स्टिकर्स सारे शहर में फैला दिए और बेचारे बच्चे उस ड्रग्स का शिकार हो गए। अरे हाँ, उस समय मैं तो वहाँ दूसरे स्कूल में थी, मगर वहाँ भी बच्चे ऐसे स्टिकर्स के जाल में फंस गए थे। लेकिन फिर से एक बार जूनियर जी ने सारे शहर के बच्चों को बचा दिया। फिर हिमांशु ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए देवी शाल मंजीरा को एक बच्चे की बलि चढ़ाने का फैसला किया और उसमें फंसा। मैं वो तो मेरी बलि चढ़ाने वाली थी कि मोटे को भूनना शुरू किया जाए। इसका मतलब उस बार फिर तूने मेरी जान बचाई थी। हाँ, और मैं तेरी जान लेने पर तुल गया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उस समय तू बोनापार्ट के कंट्रोल में झगड़ा हुआ था। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मोंटी ने गौरव की जान लेने की कोशिश की थी और ये बोनापार्ट कौन है? बोनापार्ट एक ऐसी शक्ति है जिसे हिमांशु ने जूनियर जी को खत्म करने के लिए पैदा किया था और उसने जान ही लिया कि मैं ही जूनियर जी हूं और मुझे खत्म करने के लिए वो मोंटी के शरीर में घुस गया। उसी के प्रभाव में आकर मोंटी ने मुझ पर हमला किया। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। ये इसकी चाल है। कि तुम जूनियर जी हो तो फिर हिमांशु ने आज तक हमला क्यों नहीं किया? इसलिए कि बोनापार्ट खुद हिमांशु से गद्दारी कर बैठा। उसने हिमांशु को बताया तक नहीं कि मैं कौन हूं। बोनापार्ट, लाओ वो ग्रहणों का टुकड़ा हमें दे दो, हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा। जब हिमांशु की यह चाल नहीं चली तब उसने शिवा चुड़ैल को बुलाया। और शिवा चुड़ैल ने शैली को अपने जाल में फंसाकर मेरे हाथों से ग्रहाणु वाली अंगूठी निकलवा ली। लेकिन जीत अच्छाई की हुई और वो अंगूठी वापस मेरे हाथों में आ गई। Ah! 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 Ah!
फिर फिमांचो ने जूनियर जी का डुप्लीकेट क्रिएट किया और उसने शहर में बहुत तबाही मचाई। ताकि मैं परेशान होकर उसके सामने आऊं और वो मुझे खत्म कर सके, लेकिन उसकी ये चाल भी नाकामयाब रही। मुझे मत मारो, नहीं नहीं प्लीज नहीं, ग्रेट फिमांशु मुझे बचाओ, जूनियर जी मुझे मत मारो। और मैं तुम सबके सामने सही सलामत खड़ा हूं। लेकिन अगर तुम ही जूनियर जी हो तो फिर तुमने आज तक हमें बताया क्यों नहीं? और क्या, अगर तूने और किसी को नहीं बताया तो ठीक है, लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मुझे अलाउड नहीं था किसी को ये बताना कि मैं ही जूनियर जी हूँ। और मेरे इतने दुश्मन पैदा हो गए थे कि जिस किसी को भी मेरी असलियत का पता चल जाता उसके जान को खतरा पैदा हो जाता। तो फिर शेरी को कैसे पता चला इस बारे में? इसे मुझे मजबूरी में बताना पड़ा। कैसी मजबूरी? जब बोनापार्ट फिमांचो के शिकंजे में फंस गया तब फिमांचो ने बोनापार्ट को सजा देने के लिए उसके सर के नीचे का शरीर गायब कर दिया और अपने शरीर को वापस प्राप्त करने के लिए बोनापार्ट ने फैसला कर दिया कि वो जूनियर जी को फिमांचो के हाथों सौंप देगा। इसलिए स्कूल में नाक बनकर आया और उसे सारे बच्चों को पत्थर का बुद्ध बना दिया। बोनापार्ट से निपटना मेरे लिए जरूरी था, लेकिन अगर बुद्ध बने बच्चों का इलाज सही समय पर नहीं होता तो वो बच्चे हमेशा के लिए बुद्ध बने रह जाते हैं। इसलिए जाने से पहले मुझे अपनी शक्ति का एक हिस्सा शैली को देना पड़ा। सहायता कीजिए। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी एक शक्ति तुम्हें दे दी है। इसी बात से शैली को पता चल गया कि मैं ही जूनियर जी हूँ। देखा देखा, मैं तो पहले से ही कहता था कि जूनियर जी मेरा दोस्त है, लेकिन कोई मानता ही नहीं था। जैसे तुझे पहले से ही पता था ना कि गौरव ही जूनियर जी है। अच्छा, तुझे पता लग गया तो तू ऐड हुई है। तुझे भी गौरव ने मजबूरी में ही बताया था। चाहे जैसे भी बताया, बताया तो सही, तुझे तो अब पता चला है। मैं तो यहाँ थी नहीं, अगर मैं होती तो गौरव 100% मुझे ही बताता। हाँ, तू बस यही सोच सोच कर खुश होती रहे। ओके, ए तू ना। अरे बस एक मिनट, हम दोनों जाते हैं, तुम दोनों लड़ाई करो, बाद में हमें बताना कौन जीता कौन हारा, ठीक है? चल मोहन। हाँ, गौरव सॉरी। गौरव फैसला हो गया पक्का? अच्छा, अब हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या? भूल गई, हमें प्रोफेसर बनांडो की जान बचाने के लिए 3 अंगूठियां चाहिए, लेकिन अब तक हमारे हाथ में एक ही अंगूठी आई है। हमें और 2 अंगूठियां हासिल करनी है गौरव। और उन्हें हासिल करना पहली अंगूठी को हासिल करने से ज्यादा मुश्किल काम है। गौरव, अगर तुम ठीक समझो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। और मैं भी। हेलो, ये कोई पिकनिक नहीं है जिसमें सारे फ्रेंड्स साथ में जाएंगे तो मजा आएगा। जान जोखिम में डालने वाला काम है। तो जान जोखिम में डालने का ठेका क्या सिर्फ तूने ही लिया हुआ है? और क्या, अगर हम दोनों साथ आए तो हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। एक्चुअली आइडिया बुरा नहीं है गौरव, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हेल्प करने के बजाय वहाँ और मुश्किल खड़ी कर दे। ये तो वहीं पे पता चल जाएगा।
ये कहां से आया? गाँव रहा हूँ शैली। ये तो वही तोता है जिसने पहली अंगूठी तक पहुंचने में हमारी मदद की है। क्या हुआ तुम्हें? तुम नहीं, आप। मैं बड़ा हूं ना। सॉरी, क्या हुआ आपको? वो जो गुफा में मूर्ति रखी थी ना, वो फ्यूमांचो के पास जा रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मेरा ये हाल कर दिया। फ्यूमांचो के पास? मतलब उसे पता लग गया कि हमें पहली अंगूठी हासिल हो गई? अगर अभी तक पता नहीं लगा होता तो जल्दी ही लग जाएगा। तुम्हें उसके पहले काला ढूंगी की पहाड़ियों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। काला ढूंगी की पहाड़ियाँ, वहाँ क्या है? वहाँ तुम्हें दूसरी और तीसरी अंगूठियाँ मिल जाएंगी। लेकिन वो पहाड़ियाँ है कहाँ? ये पहाड़ियाँ धरती के एक ऐसे कोने में है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और अगर कोई साधारण आदमी भूले भटके वहाँ पहुँच भी जाए तो ये पहाड़ियाँ दिखाई नहीं देगी। तो फिर हम उन्हें कैसे देखेंगे? हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक? तुम अगर जूनियर जी बनकर अच्छाई की शक्तियों को याद करोगे और उनसे प्रार्थना करोगे कि वो तुम्हें उन पहाड़ियों तक पहुंचा दे, तो वो तुम्हें पहुंचा देंगी। ठीक है, लेकिन वो सब मैं बाद में करूंगा। पहले को किसी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ मैं। बेकार समय नष्ट मत करो, तुम जाओ। मेरा अंत समय आ गया है। मेरी मिर्च तुम पर उद्धार। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इन्होंने अपनी जान दी है, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। हमें काला ढूंगी की पहाड़ियों पर जाकर उस दोनों अंगूठियों को हासिल करना ही होगा। हाँ, तुम यहां अपना पहना छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे लिए अंगूठी लाई हो क्या? फ्यूमांचो, मैं तुम्हारे लिए बुरी खबर लाया हूँ। फ्यूमांचो! क्या बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? पहली अंगूठी
जूनियर जी को मिल चुकी है। ओ चिंकारा, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ ये? क्या कैसे हुआ, वो आया और सारी बाधाएं पार करके अंगूठी प्राप्त करके ले गया। ओ लिंडा, इसका मतलब है कि वो बाकी की दो अंगूठियों तक पहुंच सकता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जल्दी से मुझे वो रास्ता बताओ ताकि मैं वहां पहुंचकर वो दो अंगूठी अपने पास सबसे पहले ले सकूं, ताकि वहां कोई पहुंच ना सके और जूनियर जी का बच्चा वहां बिल्कुल ना पहुंच सके। तुम अच्छी तरह जानते हो हिमांशु, ये जानकारी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, ग्रेट हिमांशु के पास ऐसी ताकतें हैं जो पत्थर का मुंह खुलवा सकती है। खैर तुम तो हो ही पत्थर की मूरत, प्यादो पकड़ लो इसे। बट ग्रेट हिमांशु को धोखा दिया। ए बड़े, हंस क्यों रहा है? तुम्हारी तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आ रही है हिमांशु, जिसने जिसने यहां तक आकर तुम्हें तुम्हारे मतलब की खबर दी, तुमने उस पर ही तूने धोखा देने का इल्जाम लगा दिया। याद रखना हिमांशु, बाकी की दोनों अंगूठियों का पता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। ए बुड्ढे, तुम्हें क्या मालूम कि भविष्य में क्या होने वाला है? हाँ सही कह रहे हो हिमांशु, भविष्य का पता किसी को नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं तुम्हारा अंत निकट है, क्योंकि जूनियर जी और उसके साथी बाकी की दोनों अंगूठियां हासिल करने के लिए निकल चुके होंगे। नहीं बुड्ढे, तुम लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट और हमें बेवकूफ समझते हो। ग्रेट हिमांशु को बेवकूफ, मूर्ख। इस बार हमने ऐसी ताकत बनाई है, ऐसी शक्ति पैदा की है जो जूनियर जी को सूंघते हुए उसे ढेर कर देगी। ठीक वैसे ही जैसे हीट सेंसिंग मिसाइल्स जो बदन की गर्मी को सूंघते हुए निशाने को ढेर कर देती है। लिंडा, यस ग्रेट हिमांशु, जूनियर जी को हमेशा के लिए मिटाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं तो कब से रेडी हूँ ग्रेट हिमांशु, बस आपके आदेश का इंतजार था। गुड, वंडरफुल लिंडा। चल 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 चल। क्या आदेश है ग्रेट हिमांशु? सूर्य जी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी फौजों को तैयार करो। अवश्य ग्रेट हिमांशु, मगर उसके लिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह जूनियर जी के रूप में ना आ जाए। ची, ची। खैर कोई बात नहीं लिंडा, तुम अपनी फौजों को तैयार रखो, कभी ना कभी तो जूनियर जी का बच्चा अपने रूप में आएगा ही, अपने रूप में आएगा ही। चिंकारा, अच्छा अब हमें तुरंत काला ढुंगी की पहाड़ी पर चलना चाहिए। चलो शैली। टीना ये क्या है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है चलो। अरे ओ भाई, प्लीज यार तुम हम लोग को रोकने की कोशिश मत करा, हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। वाह 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 मैडम, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ,
मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे पहाड़ों पे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन मोंटी वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। तो क्या मैं खतरे नहीं उठा सकता? तू मुझे समझता क्या है? मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं गीदड़ हूँ। बस कर, चुप है अभी, चल चल। वाह गौरव वाह, मैं ना आने के बाद तुझे दो दर्जन केले खिलाऊंगा। बस बस अब बहुत हो गया, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने अपने हाथ आगे करो। ये अच्छाई की शक्तियों, हमें फिमांचो और उसके बुराई की शक्तियों को नष्ट करने के लिए काला ढूंगी की पहाड़ियों पर जाना है। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। शुक्रिया। अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएं? हम तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकते थे कि तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दें। इसके आगे तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। ये लो, ये तुम्हें रास्ता ढूंढने में मदद करेगी। मगर याद रखना, अगर तुमने ये रथ खत्म होने से पहले वो रास्ता नहीं ढूंढा, तो वो अंगूठिया हमेशा के लिए तुम्हारी पहुंच के पार हो जाएगी। फिर उसे हासिल करना तुम्हारे लिए असंभव होगा। अच्छा, अब हम जाते हैं। अब हम यहाँ से आगे रास्ता कैसे ढूंढेंगे? अरे गौरव, यहाँ कहीं केले मिलेंगे क्या? मोटे, तू फोन करके ऑर्डर दे दे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या मजाक कर रहा है, केले भी कभी फोन पर ऑर्डर होते हैं क्या? ओफो! क्या ओफो? तुम लोग ये केले के पीछे क्यों पड़े? हम लोग इतनी दूर यहाँ केले खाने के लिए आए हैं क्या? तुम लोग समझे नहीं हो, हमारे पास टाइम कम है। सॉरी मोंटू जी, सॉरी। ठीक है ठीक है। अच्छा ये तो बताओ कि आगे कहाँ जाए? वो तो गौरव बताएगा ना, हमारा सुपर हीरो। मोटे, सुपर हीरो मैं नहीं हूँ, जूनियर जी है। और मेरे हिसाब से हमें रास्ता इतने आसानी से मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब मुझे पहाड़ी में जाकर रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है? हाँ यस यस। जी जम जमी बूम। ग्रेट विमानचो, जूनियर जी मिल गया। लिंडा जाओ। मुझे आज्ञा दीजिए ग्रेट विमानचो। ठीक कहा था। विमानचो, विमानचो, तुझे क्या लगता है अकेली लिंडा जूनियर जी का मुकाबला कर पाएगी? विमानचो बुड्ढे, लिंडा अकेली नहीं है, बाहर हमारी पूरी फौज तैयार है लिंडा का साथ देने के लिए। चिंकारा।
जल्दी कुछ करना यार, मॉन्टी में रुक नहीं सकता, मुझे रास्ता ढूंढने जाना है। क्या फिर हमारा क्या होगा? शैली तुम फौर अपने रूप में आ जाओ। ओके। मगर ये अंगूठी और बाकी दोनों अंगूठियां भी तभी काम करेगी जब तुम्हारी अंगूठी इन्हें ऊर्जा देगी। शैली तुम्हारी अंगूठी उसी वक्त काम करेगी जब मेरी अंगूठी इसे ऊर्जा देगी। अपना हाथ आगे लाओ। शैली अब अपना रूप धारण करो। शैली अब तुम्हारे पास शक्ति आ चुकी है, मैं निकलता हूँ, तुम इन्हें संभालो। बहुत अच्छी पावर है। थैंक्स।
दूर की आंधी चला दो, ये लोग अपना भी भाग जाएंगे, जल्दी। ओके बड़े, आई एम सॉरी मॉन्टी। ये वेरी गुड चली। खुदा, वो मोटा लड़का और लड़की है ना, उनके पास पावर नहीं है। अगर वो हमारी पकड़ में आ जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इस लड़की को उठाए रखना, मैं वहां जाके तुम संभालो। यस सुधा। जूनिया जी, अच्छा तू टाइम से आ गया। तू अभी तक यहीं पर खड़ा है, इसका मतलब है कि तुझे दरवाजा नहीं मिला है, वरना तू अब तक वहां पहुंच चुका होता। वहां भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरा इलाज तो कर दूं मैं। रास्ता मिला? मुझे पहाड़ियों में रास्ता नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ता हमारे सामने है और हम जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं? रास्ता यहाँ? हाँ शैली, पर हमारे पास कोई चारा नहीं और टाइम भी बहुत कम है, हमें जल्दी निकलना होगा। चलो खत्म हो रहा है, जल्दी कर गौरव। जय
जेमी बूम। मोंडी अपने पांव अंदर कर। हाँ हाँ। ये तो अंदर चला गया, अब यहाँ रुकने का क्या फायदा होगा? ये तुम लोगों क्या हो गया? जब हम पहली अंगूठी लेने के लिए गए थे तो उस गुफा में घुसते ही मेरी शक्तियां चलनी बंद हो गई। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। मगर अभी अभी तो तुमने मोंटी को छुड़ाने के लिए जादू तो यूज किया था ना? और हाँ, तुम लोग भी यहाँ अंदर घुसते ही अपने असली रूप में नहीं आए और अब आए हो, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि जब तक ये दरवाजा थोड़ा सा खुला था, हमारे अंदर घुसने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, और जब ये दरवाजा बंद हुआ तब हम साधारण बच्चे बन गए और हमारी शक्तियाँ चलना बंद हो गई। यानी अब हमें सब जादू की सहायता के बिना करना होगा। ऑब्वियसली, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे रुको रुको, अब इसकी क्या जरूरत? चलो। हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते, ये इस तरह रखे हुए हैं, इसका मतलब इनमें जरूर कोई भेद है। अरे इडियट, इनमें क्या भेद हो सकता है? ब्लॉक्स बने, इन पे पैर रखो और आगे बढ़ो। देखो, अरे रुकना, रुको। चीख निकली ना, अगर इस पत्ते की जगह हम में से कोई होता तो क्या होता? अब बोल। सॉरी सॉरी। यानी अब हम इस तिलस्म को पार नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें इससे गुजरने का सही रास्ता ढूंढना होगा। मगर इसमें तो 9 ग्रहों के सिंबल्स हैं। मुझे लगता है कि हमें मर्क्यूरी से शुरू करके आगे बढ़ना चाहिए। You're right. Try करता हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मोटे, तुझे पता है कि कौन सा ग्रह किसके बाद आता है? ओ, नहीं तो क्या? सुन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, मूटो, मोटो, मोंटी, देखा मोंटी। एक्सलेंट मोंटी, वाह वाह वाह, 10 out of 10। अब सब चुप रहना, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। We'll be right back.
ये देखो दरवाजा, इस दरवाजे में चलते। क्या अंगूठी दरवाजे में मिलेगी? अंगूठी कहाँ मिलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता जरूर इस दरवाजे में मिलेगा। फॉलो मी। अरे चलो ना, इनविटेशन दूं क्या? आ जाना। तुम्हारा इंतजार था लिंडा, क्या खुशखबरी लाई हो? लिंडा क्या बात है, तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाई हो, बताओ। आई एम सॉरी ग्रेट फ्यूमांचो, हम उन्हें रोक नहीं पाए। फ्यूमांचो! वो लोग कालाडुंगी की पहाड़ियों में बने खुफिया दरवाजे में फ्यूमांचो घुसने में कामयाब हो गए। क्या क्या लिंडा? फ्यूमांचो! ओहो, यानी जूनियर जी के बच्चे ने एक बार फिर से रेड फ्यूमांचो की फौज को चकमा दे दिया, चकमा दे दिया। और तुम बेवकूफों की तरह खड़े देखते रह गए? I'm sorry, great Fumancho, लेकिन हम लोगों ने उनको रोकने की पूरी कोशिश की, मगर अब जूनियर जी के साथ साथ उसकी एक साथिन को भी जादुई शक्तियां प्राप्त हो गई है। Fumancho! उन दोनों ने मिलकर हमारे सारे हथियार बेकार कर दिए। ये अच्छी खबर सुनाने के लिए तुम दौड़ी दौड़ी हमारे पास चली आई, रास्ते में चुल्लू भर पानी नहीं मिला, डूब मरती। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं ग्रेट फ्यूमांचो, भगो! आज तक तुमने कभी अच्छी बातें की है, भगो! जरा सोचिए ग्रेट फ्यूमांचो, वो बच्चे अंगूठी हासिल करने के लिए जिस जगह पर गए हैं वहां तो जादू चलेगा नहीं, और वो दो चार टुइयों पुइयों बच्चे बिना जादू की सहायता के अंगूठी हासिल कर ले, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। कितनी अच्छी बात कही, वो भी पहली बार। जी चाहता है कि तुम्हें बिल्कुल ठीक कहा, वो तुलसमी दुनिया में जूनियर जी का बच्चा अंगूठी हासिल नहीं कर सकेगा, वो एक जोकर बन के रह जाएगा। एक जोकर बन के रह जाएगा, वो जूनियर जी का बच्चा जोकर बन के रह जाएगा, और वो अंगूठी तिरस्पी दुनिया से उठ के मेरे पास आने ही वाली होगी, मेरे पास आने ही वाली होगी, और जूनियर जी का बच्चा उस तिलस्पी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो जाएगा, गर्क हो जाएगा। चिंकारा! मगर इसमें भी अगर चाल हुई तो फिर पहले की तरह पत्थर मार के देख लो ना। हाँ मैं देखता हूँ। यहाँ आसपास कोई पत्थर दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ मोंटी, तो एक काम करना, तो इस पहले पत्थर पे पावर रख कर आगे बढ़, सिंपल। मैं पागल है, चल चल। अरे मोंटी डर मत, हम तुझसे कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवाएंगे। लेकिन किसी ना किसी को इन पत्थरों पे पार कर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। इस
इसका मतलब हम में से किसी को इन पत्थरों पे पाँव रखकर फुर्ती से आगे बढ़ना होगा। और अगर गलत जगह पर पाँव पड़ा या आगे बढ़ने में देर हो गई तो जय राम जी की। हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर हम यहाँ से वापस लौट गए तो ये अंगूठी उड़कर फिमाचो के पास चली जाएगी। सो विश मी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे यार तू तो कमाल की चीज है, तुझे तो ओलंपिक्स में जाना चाहिए। तो फायदा क्या हुआ, दरवाजा खुला ही नहीं। अरे हाँ, मुझे लगता है कि ये दरवाजा इस स्लैब पर पैर रखने से खुलेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ट्राई करता हूँ। पॉसिबल है, तुम लोग यहीं रुको, मैं जंप मारता हूं। क्या जूनियर जी और उसके दोस्त इस माया जाल को तोड़कर दूसरी और तीसरी जादुई अंगूठी हासिल कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।